व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, और वो टॉपिक है क्या ज़्यादा सेक्स करने से या ज़्यादा जैक ऑफ करने से, ज़्यादा मैस्टर्बेशन करने से आपके मसल कम हो जाते हैं, या आपकी बॉडी बिल्डिंग पर कोई फ़र्क पड़ता है, या आपका मसल गोल या फैट लॉस गोल के ऊपर कोई इफेक्ट्स है। बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर, इंडिया में खास करके, उसको मैं दूर करता हूँ। ये मिथ, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बर्स्ट करता हूँ आज, और आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको याद रहे जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, आप उसे यूज़ कर सकें। ओके, सेक्स बहुत ही ज़रूरी है, हमारी लाइफस्टाइल का बहुत ही अहम हिस्सा है ये। अगर आपको कोई फिटनेस, आपका जो ट्रेनर कहे कि आपको सेक्स ज़्यादा ना करो, वो ना करो, ये ना करो, उस पर ये फ़र्क पड़ता है, कारण तो पूछें। मैं आपको साइंटिफिक रीज़न देता हूँ इसका। पहले आपको बताऊँ, जब हम सेक्स की बात करते हैं, जब मसल की बात करते हैं, तो किस चीज़ की बात होती है? हार्मोन की। और कौन सा हार्मोन है जो सेक्स के लिए और मसल के लिए इंपॉर्टेंट है? टेस्टोस्टेरोन, राइट? अब आपको मालूम है, मैंने वीडियो बनाई थी टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है, मेल हार्मोन, जो मसल बिल्ड करता है, राइट? और वही हार्मोन आपके सेक्स के लिए जरूरी है। अब क्या होता है कि जब आप सेक्स करते हैं, जब आप मैस्टर्बेट करते हैं, जब आपकी बॉडी से स्पर्म बाहर आता है, तो उस समय आपके टेस्टोस्टेरोन का काम सबसे पहले यह है, अगले 24 घंटे तक आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला काम है, फर्स्ट प्राइमरी केस टू प्रोड्यूस स्पर्म, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका काम मसल बिल्ड करना नहीं है, फैट लॉस करना नहीं है, राइट? उसका काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोबारा स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर बने, राइट? तो ये पहला काम है आपके टेस्टोस्टेरोन का। अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वही टेस्टोस्टेरोन आप मसल बिल्डिंग के लिए या फैट लॉस के लिए यूज करते हैं, राइट? अब क्या होता है, अगर आप एवरी डे सेक्स कर रहे हैं, एवरी डे मैस्टरबेट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ही काम कर रही है, आपकी बॉडी सिर्फ स्पर्म ही बना रही है, मसल बिल्ड नहीं। आप जिम जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, यू फकिंग जैकिंग ऑफ, सॉरी बाय माय लैंग्वेज, सॉरी बाय फ्रेंच, राइट? सॉरी अबाउट दैट, लेकिन दिस इज व्हाट पीपल डू, राइट? और अगर आप एवरीडे कर रहे हैं, आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, वेरी सिंपल, क्योंकि आपकी बॉडी इस समय जो प्राइमरी, जो सबसे जरूरी काम है आपकी बॉडी का, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आपकी बॉडी उस समय स्पर्म बना रही है, वो जरूरी है। 24 घंटे के बाद, जब आपकी 24 से 48 घंटे लगते हैं आपकी बॉडी को उस स्पर्म जनरेट होने में, 24 से 48 घंटे, वो भी आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप क्रैप खा रहे हैं, बकवास खा रहे हैं, तो क्या होगा, लेस प्रोडक्शन, आपकी टेस्टोस्टेरोन लो है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, यू जस्ट ईटिंग वेरी गुड मील्स, हेल्दी मील्स, तो आपकी बॉडी 24 घंटे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका जो है वो दोबारा बनाएगा। अब अगर आप एवरी डे कर रहे हैं, तो आपके गोल तो पोस्टपोन होंगे ना, आपका मसल का कोई, आपका जो गोल्स है इंडिविजुअल मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वो तो पोस्टपोन, डिले होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी का प्राइमरी काम है स्पर्म जनरेट करना, और आपकी बॉडी वही करी जा रही है एवरी डे, तो आप चांस नहीं दे रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को दूसरा गोल करने के लिए, जो आपका गोल है मसल बिल्डिंग का। सो क्या करना चाहिए, ये रॉन्ग है। अगर आप एवरी डे कर रहे हैं, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आप जिम जा रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं, दैट्स इट, आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। अगर आपका गोल है मसल बिल्ड करना, लीन मसल मास, यू नो, यू वांट टू लुक फिट, बल्क अप, फैट लॉस, ऐसे कोई फिजिकल गोल है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद उसका प्रोसेस शुरू हो। मतलब अगर आप एक दिन छोड़कर दूसरे दिन करें, तो आपकी बॉडी दोनों गोल अचीव करेगी। यू यूजिंग टेस्टोस्टेरोन फॉर सेक्स एज वेल एंड ऑल्सो फॉर मसल बिल्डिंग, बैलेंस हो गया। अगर आप हफ्ते में दो बार करते हैं, वेरी गुड, मतलब हर तीसरे दिन तो आप यूज कर रहे हैं, या आप तो ये स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं, या आप हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आपकी बॉडी 5 दिन 6 दिन आपका जो गोल है उस तरफ फोकस कर रहा है टेस्टोस्टेरोन आपका, और जो सैटरडे या वीकेंड है एंड यू हैविंग फन विद योर गर्लफ्रेंड, डिपेंड्स अपॉन, आई डोंट नो, इफ यू आर मैरिड, देन यू नो डेफिनेटली two times or three times, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, मेरी कोई सजेशन नहीं है इसके ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है,
आपके गोल्स पर डिपेंड करता है क्या जरूरी है। सेक्स आपकी पार्ट का आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इसको एंजॉय करना चाहिए। आप करो एंजॉय, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल ना लो कि यार मैं ज्यादा कर रहा हूँ, मुझे उसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया। इसका साइंटिफिक रीजन से समझें, टेस्टोस्टेरोन जब भी आपने किया है तो आपका जो अगले 24 घंटे तक जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी मसल नहीं बिल्ड कर रही, आपकी बॉडी उस समय रिकवर हो रही है जो टेस्टोस्टेरोन यूज किया है। आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म दोबारा बना रही है, राइट। जब वो स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर दोबारा बन गया, तब आपकी बॉडी अब टेस्टोस्टेरोन आपके गोल्स की तरफ चल रही है। क्या गोल है? मसल बिल्डिंग। नाउ यू ईटिंग मोर, नाउ यू गेनिंग मसल, नाउ यू गेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज आप स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, राइट। अगर स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप हफ्ते में दो बार करें, परफेक्ट, हैव फन, वर्कआउट अच्छी तरह करें। 80% आप वर्कआउट पर फोकस करें, 20% आप इस चीज में फोकस करें, तो आप हर चीज का लाइफ में फन एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। सेक्स बहुत जरूरी है, टू मच सही नहीं है। ज्यादा देर तक देखो, आपको मैं बताऊं, लाइफ में हर चीज के साइड इफेक्ट हैं, हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ भी चीज लिमिट से ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चाहे वो ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं तो इफेक्ट है, ज्यादा देर तक सो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ज्यादा देर तक जाग रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ज्यादा आप चिकन खा रहे हैं, ज्यादा अंडे खा रहे हैं, ज्यादा बादाम खा रहे हैं, हर चीज का ज्यादा इफेक्ट है। ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं लंबी देर तक, ज्यादा देर तक भाग रहे हैं, हर चीज ज्यादा करेंगे लिमिट से ज्यादा तो साइड इफेक्ट्स है। इसी तरह से ज्यादा सेक्स करेंगे या ज्यादा मैस्टरबेट करेंगे तो जरूर आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे और आप वीक होंगे इंटरनली। स्ट्रेंथ भी वीक होगी आपकी, क्योंकि आपकी टेस्टोस्टेरोन वीक हो रहा है, आपके टेस्ट ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन अगर एवरी डे कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। वेरी सिंपल, वंस और ट्वाइस अ वीक इज परफेक्ट। दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ फिटनेस पीपल डूइंग इट। बट अगर आपने लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को आपने फन करना है, अपने गोल्स भी अचीव करने हैं, देन डू एवरीथिंग, हैव फन, स्ट्रेस ना ज़्यादा लें, लेकिन ज़्यादा भी ना करें कि जैसे आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं लाइफ में। सो जस्ट बी पेशेंस, डू इट ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, दैट्स नफ। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन, दिस इज द राइट इंफॉर्मेशन फॉर यू। साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बताया है टेस्टोस्टेरोन का, अब याद रखना आप। All right guys, take care, over and out.